नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी कस्बे की मंडी समिति परिसर स्थित इफको सेवा केंद्र में यूरिया खाद ना मिलने से किसान परेशान है। किसानों को इस समय यूरिया खाद की बहुत ही जरूरत है, लेकिन किसानों को पर्याप्त यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है। दिन भर लाइन में लगने के बाद एक या दो बोरी यूरिया खाद मिल पाती है। कई किसानों को बिना यूरिया खाद लिए बैरंग वापस लौटना पड़ता है। वर्तमान समय में गेहूं की फसल के लिए यूरिया खाद की बहुत ही जरूरत है। यूरिया खाद पाने के लिए किसान इफको सेवा केंद्र में सुबह से लेकर देर शाम तक लंबी लंबी लाइन में लगे रहते हैं। बावजूद इसके कुछ ही किसान को एक या दो बोरी यूरिया खाद मिल पाती है। बाकी किसानों को दिन भर लाइन में लगने के बाद भी शाम को बिना खाद पाए बैरंग वापस अपने घरों को जाना पड़ता है। इसको लेकर किसानों में सरकार के प्रति गहरी नाराजगी का माहौल है। उनका कहना है कि सरकार कोई भी आए लेकिन किसानों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले डीएपी खाद का संकट था, अब यूरिया खाद का संकट लगातार बना हुआ है। क्या इस यहाँ पर इफको सेवा केंद्र बिंदकी में किस पद में है? सहायक में है सर। तो यूरिया की क्या पोजीशन है इस समय? यूरिया सर दो गाड़ी आती है रोज, सर पांच पांच बोरी सभी किसानों को दिया जा रहा है। आज किसान बता रहे हैं कि यूरिया खाद नहीं मिल रही, क्या है मामला? नहीं सर जी, बस दो गाड़ी आ रही सर जी, दो गाड़ी में सबको पांच पांच बोरी सबको दिया जा रहा है सर। क्या नाम है आपका? राजभवन। क्या लेने आए हैं? खाद लेने आए हैं सर। कौन सी खाद? यही यूरिया सर। तो मिली कि नहीं मिली? कहाँ मिलेगा, खाद है ही नहीं आज, एको बोरिया तक नहीं मिल रही है। दो दिन लौट गए। क्या नाम है आपका? विद्याशंकर। किस गांव में रहते हैं? आलमगंज। क्या है यूरिया खाद मिली इतनी दूर से? भैया वहाँ से लाइन लगाए थे, यहाँ तक आए कहीं खत्म हो गई। अब कल फिर अपनी गाड़ी लेके ट्रैक्टर आए यहाँ तो। अच्छा, कितने दिन से आप चक्कर लगा रहे हैं? कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं आप? चक्कर तो आज ही आए हम। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।